नमस्कार एवरीवन। सो ये हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में। दिस इज़ द लास्ट पोर्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हम वैदिक कल्चर के बारे में या वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो डिक्लाइन के अंदर डाइवर्जेंट व्यूज़ हमें मिलते हैं। एंड हम देख लेते हैं इसकी टाइमलाइन 1900 से 1800 BCE के बीच में है। अब फॉरेन इन्वेजन की थ्योरी देते हैं कुछ लोग, जैसे एम व्हीलर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट फॉरेन इन्वेजन की थ्योरी देते हैं कि आर्यंस आए और उन्होंने इन्वेड किया। हालांकि ये फैक्ट जो है रिफ्यूट हो जाता है किससे, कि आर्यंस जो थे वो एंटर किए 1500 BCE के अंदर, या वैदिक पीरियड में। यू विल रीड मोर अबाउट आर्यंस, इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इंडो आर्यंस एक्सेट्रा। ये इससे रिफ्यूट हो जाता है कि वो 1500 BCE के अंदर आए और एंड जो था 1900 to 1800 BCE के अंदर हुआ। अगर वो लोग इन्वेजन करते तो उसी टाइम पे एंड हो जाता, राइट। जॉन मार्शल कहते हैं कि फ्लड्स आई, जिसके एविडेंसेस भी मिलते हैं। अब बाकी व्यूज हम देख लेते हैं। एम आर सानी कहते हैं कि वाटर लॉगिंग की वजह से जो है सिविलाइजेशन एक एंड पे आई। एच टी लैम्ब्रिक कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर डिस्टर्बेंसेज आई, जिससे वो एनवायरनमेंट को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाया, एक्सप्लॉयटेशन के अंदर दिक्कत हुई। ऑरल स्टीन कहते हैं कि एरिडिटी हो गई थी लैंड के अंदर, खेती बाड़ी होने में दिक्कत होने लगी होगी। वॉल्टर कहते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, जिससे क्या हमें प्रतीत होता है कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, पीपल वर ग्रोइंग इन नंबर्स, बट रिसोर्सेज जो थे दे वर डिक्लाइनिंग। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होती जा रही है, रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो सर्वाइवेबिलिटी का रेट जो है बहुत कम हो गया। रिसोर्सेज सपोर्ट ही नहीं कर पाए पॉपुलेशन को, तो इसलिए लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और माइग्रेशन की वजह से जो सिटीज़ का नंबर है, उसके अंदर रहने वाले लोगों का नंबर है, वो डिप्लीट करने लग गया, ठीक है। तो ये वॉल्टर की थियोरी है। सब लोग अपना अपने अलग अलग व्यूज़ देते हैं इस चीज़ के बारे में। अब सर्वाइवल और कंटिन्यूटी हम देखते हैं। तो एंड कब हुई, 1800 BCE के अंदर, एज वी रेड बिफोर। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि लोग जो हैं वो शिफ्ट होने लग गए थे फ्रॉम सिटीज़ टू रूरल एरियाज। नाउ एंड तो हुआ, लेकिन किस चीज़ का हुआ, अर्बन फेज का एंड हुआ, टाउन प्लानिंग का एंड हुआ, टाउन्स का एंड हुआ, सिटीज़ का एंड हुआ, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का एंड हुआ, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का, मेजर्स का, वेट्स का, इन चीज़ों का एंड हुआ, ना कि सिविलाइजेशन एज अ होल का एंड हुआ। इसके बाद के फेज को इसलिए मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, जो आफ्टर मथ ऑफ हम अर्बन फेज कह सकते हैं। अगेन डिसअपियर क्या हुआ, सिटीज डिसअपियर हुई, अर्बन फेज, टाउन्स एट्सेट्रा। सो इट वॉज बेसिकली एंड ऑफ अर्बन फेज, एंड जो रूरल एलिमेंट था वो स्टिल कंटिन्यू कर रहा था। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चैप्टर से। या आज तक कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन लीव इन कॉमेंट्स।